Hello students, in this video we are going to look at some terms that are related to chapter number 6, right? Internet surfing and security. So search engine क्या है? Search engine एक program होता है जो आपको क्या है web pages display करता है, right? आप जो भी information search करते हो वो आप क्या करते हो, आप search engine पर डाल सकते हो और फिर वो आपको उस information से related जितने भी उसके पास links हैं वो आपको provide करता है, right? तो इसमें क्या होता है, suppose आपको किसी भी website का particular URL नहीं पता है. URL क्या, you can see here, this is a unique address, राइट? किसी भी साइट का यूनिक एड्रेस होता है यूआरएल, और आपको उसका क्या है कंप्लीट नहीं पता है. तो आप क्या है, एक जो भी टर्म आप लिखते हो, आप एक स्मॉल टर्म लिख सकते हो. सपोज आई हैव रिटन हियर नालंदा इंटरनेशनल स्कूल गोहाना, राइट? मैंने कोई पर्टिकुलर वेबसाइट यहाँ पर नहीं डाली है, मैंने सिर्फ ये कुछ वर्ड्स यहाँ पर लिखे हैं. और ये वर्ड्स क्या है, इन्हें हम कीवर्ड बोलते हैं, राइट? एक कीवर्ड की तरह ये काम करने वाले हैं, राइट? और जैसे ही हम एंटर करेंगे तो स्पाइडर एक प्रोग्राम होता है, सर्च इंजन यूज करता है, और वो उसे जितने भी इंफॉर्मेशन हमने डाली है उस कीवर्ड से रिलेटेड वो हमें शो करता है, राइट? तो स्पाइडर इज गोइंग टू शो दिस काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन टू अस, राइट? और इस इन जितने भी वेब पेजेस जो यहाँ पर हमें ये जो रिजल्ट मिला है इन वेबसाइट्स का, इसमें अगर हमें अपनी वेबसाइट मिल जाती है, राइट? सपोज मेरी ये पर्टिकुलर वेबसाइट थी जो मुझे ओपन करनी थी, तो इसे हम क्या बोलेंगे, हिट बोलेंगे, राइट? सो दिस इज माय हिट, राइट? सो दिस विल बी द हिट फॉर अस. ये हमारा क्या था, ये जो वेबसाइट थी ये हमारी क्या थी, हमारा हिट है, राइट? तो बहुत सारे सर्च इंजन हम यूज कर सकते हैं. अभी मैंने गूगल यूज किया है, आप बिंग सर्च इंजन यूज कर सकते हो, यहाँ पर भी आप इंफॉर्मेशन डाल सकते हो, आप याहू सर्च इंजन यूज कर सकते हो, राइट? सो दीज आर सम सर्च इंजन. नेक्स्ट इज वेब ब्राउजर. व्हाट इज अ वेब ब्राउजर और सिंपली ब्राउजर, राइट? आपको कोई भी, आप सर्च इंजन ओपन करने से पहले आपको कोई भी ब्राउजर ओपन करना पड़ता है, राइट? यू कैन सी हेयर, यहाँ पर मैंने माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउजर है वो ओपन किया हुआ है. तो सर्च इंजन यूज करने से पहले मुझे कोई एप्लीकेशन ओपन करनी पड़ेगी, राइट? माइक्रोसॉफ्ट एज आप यूज कर सकते हैं, राइट? या फिर आप माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर यूज कर सकते हैं, या फिर गूगल क्रोम यूज कर सकते हैं, मोजिला फायरफॉक्स यूज कर सकते हैं. तो ये जो वेब ब्राउजर है ये आपको इंटरनेट एक्सेस करने के लिए सर्विस प्रोवाइड करता है, राइट? जहां पर आप क्या कर सकते हो, अपनी डिफरेंट वेबसाइट्स को ओपन कर सकते हो, राइट? सो लेट मी सी हियर. सो राइट, सो यू कैन सी हियर, हियर ये जो आपको छोटा सा आइकन दिख रहा है, इफ आई एम गोइंग टू क्लिक हियर, सो इट इज गोइंग टू ओपन दिस विंडो, राइट? सो दिस इज माई वेब ब्राउजर, एंड हेयर इफ आई क्लिक हेयर देन आई कैन गो टू द सर्च इंजन एंड आई कैन लुक फॉर एनी इन्फॉर्मेशन, राइट? नाउ लेट सी दैट हाउ वी कैन ओपन माइक्रोसॉफ्ट एज. वेन यू क्लिक ऑन दिस स्टार्ट बटन हेयर यू विल गेट माइक्रोसॉफ्ट एज, राइट? सो माइक्रोसॉफ्ट एज इज डिफॉल्ट वेब ब्राउजर. डिफॉल्ट यानी ये ऑलरेडी होता है विंडोज में, राइट? आपको इसे अलग से इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है. एंड वेन यू विल क्लिक हेयर सो यू विल गेट सम काइंड ऑफ इंटरफेस लाइक दिस, राइट? सो अब हमारा माइक्रोसॉफ्ट ये ब्राउजर ओपन हो गया है. दिस कंप्लीट इज योर ब्राउजर, लाइक, एंड हम कोई भी इसमें आपके बहुत सारे, इस विंडो में बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं जो आप देख सकते हैं, राइट? यहाँ पर आपका है एड्रेस बार, या फिर इंस्टेंट सर्च बॉक्स जहां पर आप सर्च कर सकते हैं, राइट? द कर्सर इज ब्लिंकिंग हियर, यू कैन राइट एंड सर्च फॉर एनीथिंग. एंड देन वी हैव, सपोज वी हैव सर्च समथिंग, सपोज वी हैव सर्च अबाउट स्कूल. सो व्हेन यू क्लिक हियर नाउ यू कैन सी यहां पर एक बैकवर्ड और फॉरवर्ड बटन होते हैं, राइट? अगर आपको बैक जाना है सो यू कैन क्लिक हियर, एंड अगर आपको आपको दोबारा फॉरवर्ड करना है यानी नेक्स्ट पेज पर उसी पर जाना है, यू कैन क्लिक हियर, राइट? सो इससे आप बैक या फॉरवर्ड बैकवर्ड कर सकते हैं. देन वी हैव टैब्स हियर, राइट? इफ आई क्लिक ऑन दिस प्लस इट विल ओपन अ न्यू विंडो, और यू कैन से इट विल ओपन अ न्यू टैब फॉर अस, राइट? देन वी हैव हियर दिस रिफ्रेश बटन, राइट? इट्स लुकिंग लाइक अ, इट्स लाइक अ क्लॉक वाइज
सर्कल आपको दिख रहा है, व्हेन यू क्लिक हियर इट विल रिफ्रेश योर पेज, राइट। आप चाहे तो F5 भी प्रेस कर सकते हैं इसके लिए, राइट। देन वी हैव मोर ऑप्शंस हियर, राइट। आप फेवरेट्स में डाल सकते हैं उस पेज को, राइट। ये आपसे पूछेगा कि आप क्या नाम देना चाहते हैं। सपोज आपने कोई भी वेबसाइट ओपन की है, यहाँ से आप उस पर क्लिक करेंगे और उसे नेम देंगे और डन करेंगे तो वो आपकी फेवरेट्स में ऐड हो जाएगी, राइट। यहाँ पर कलेक्शंस आपके देख सकते हैं, आपकी जो भी फेवरेट्स हैं उसकी लिस्ट यहाँ पर आ जाएगी, राइट। जो भी साइट्स आपने फेवरेट्स अब अपने फेवरेट में डाली हुई हैं, राइट। यहाँ पर आपका हब है जो आपको दिखाएगा आपके जितने भी कलेक्शंस हैं या फिर आपकी ब्राउजिंग हिस्ट्री है, ये सारी चीज़ें आपको नोट डाउन होंगी। देन वी हैव सेटिंग्स ऑप्शन हेयर और मोर ऑप्शंस हेयर, यू कैन गेट अ लॉट ऑफ ऑप्शंस हेयर, राइट। न्यू टैब करना है, फेवरेट्स में डालना है, हिस्ट्री देखनी है, सो दीज काइंड ऑफ थिंग्स, डाउनलोड्स में क्या है, प्रिंट करना है, दीज काइंड ऑफ ऑप्शंस यू कैन गेट हेयर, राइट। और आप वेब ब्राउजर में हम यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ये कोई भी यूनिक एड्रेस होता है आपका, यहाँ पर आप एड्रेस बार में उसे डाल सकते हैं। जैसे आप क्लिक करेंगे आपके पास बहुत सारे यहाँ पर सजेशंस आते हैं, राइट। आपको अगर वो सजेशन सेलेक्ट नहीं करना है, यू कैन जस्ट राइट योर कीवर्ड स्कूल एंड देन यू कैन जस्ट प्रेस एंटर, राइट। इट विल शो यू द रिजल्ट्स एंड रिजल्ट्स विल बी शोन इन द फॉर्म ऑफ इमेजेस और या फिर आप वीडियोस के फॉर्म में भी देख सकते हैं या फिर मैप्स या फिर ऑल, आप इधर से डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन देख सकते हैं, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो।